दोस्तों साइकोलॉजी कहती है देर रात में बात करने पर ज़्यादातर लोग सच बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप किसी इंसान से रात में बात करते हो तो इस बात की संभावना ज़्यादा है कि वह इंसान सच बोलेगा। अगर मान लो आपको कोई सपना आया रात में तो आप कितनी भी कोशिश कर लो लेकिन फिर भी आप यह याद नहीं कर सकते कि आपका सपना कहाँ से शुरू हुआ था। जो लोग बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं वह दूसरों का झूठ पकड़ने में एक्सपर्ट होते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार जिन लोगों की फ्रेंडशिप 7 साल से ज़्यादा टिक जाती है फिर वह दोस्ती कभी नहीं टूटी है, चाहे उन दोनों व्यक्तियों के बीच कितनी भी नाराजगी हो, चाहे बातचीत भी बंद हो जाए, लेकिन उन दोनों के बीच की जो फ्रेंडशिप है वह कभी नहीं टूटेगी। हम अपने सपने में किसी अनजान व्यक्ति को नहीं दे सकते। साइकोलॉजी के अनुसार कोई भी व्यक्ति केवल 3 कारणों की वजह से आपसे नफरत कर सकता है। पहला, आप जो काम कर सकते हो वह काम वह इंसान नहीं कर सकता या उस इंसान को वह काम पसंद नहीं है। दूसरा, आपके पास बहुत सारी वेल्थ है, बहुत सारा पैसा है, बहुत सारी संपत्ति है और आप उससे काफ़ी आगे हो। तीसरा, उस बंदे का स्वभाव ही ऐसा है, उसका नेचर ही ऐसा है कि वह सभी से नफरत करता है। साइकोलॉजी कहती है यदि कोई लड़की आपकी आंखों में बहुत देर तक दिख रही है तो इसका मतलब है कि वो इंसान आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार हम अपने सपने में अक्सर उन्हीं लोगों को देखते हैं जिनके बारे में हम ज़्यादा सोचते हैं। धन्यवाद।